हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश। आप देख रहे हैं एशियन टेक्नोलॉजी। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पाइथन का सीरीज़। आज से हम पाइथन कंप्लीट पाइथन पढ़ेंगे, जिसमें एक जीरो लेवल से लेकर एक एडवांस लेवल तक होगा, जिसमें किसी को कभी कोई प्रोग्रामिंग जिसने नहीं किया है वो भी ये मेरा वीडियो देख के बहुत ही आसानी तरीके से कंप्लीट पाइथन डेवलपर बन सकता है। तो दोस्तों, मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैं बस मुझे लगा कि जो मुझे आता है मैं उसे कहाँ पे यूटिलाइज करके दूसरे को कैसे दूसरे तक पुगा सकूँ, इसीलिए मैंने सोचा चलो यार मैं सॉफ्टवेयर मैं यूट्यूब बनाता हूँ, वीडियो बनाता हूँ और दूसरों को हेल्प करता हूँ। तो आपको मेरे चैनल सब्सक्राइब करना है तो कर लीजिए, अगर नहीं करना तो ना करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ज़रूर मेरा वीडियो देखिए ताकि आपको जो मुझे आता है मैं आप सभी तक पहुँचा सकूँ। और मेरा वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेंथी भी हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत सोलो पढ़ाता हूँ, बहुत आसानी तरीके से पढ़ाता हूँ और मुझे लंबा एक्सपीरियंस भी है टीचिंग करने का। तो पाइथन एक बहुत अच्छा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा और दूसरे की तरह। और पाइथन जो है ना जावा से भी पुराना लैंग्वेज है। किसी किसी ने बोलता है, कोई कोई बोलते हैं अभी कि पाइथन बहुत नया 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 कोई आया पाइथन है बोलते हैं, लेकिन वो नया नहीं है, वो बहुत पुराना है। पाइथन जो है जावा से भी पुराना लैंग्वेज है। जैसे कि 1991 में ये रिलीज हुआ था, लेकिन ये बना था 1989 में, और जावा जो है 1994-95 में जाके रिलीज हुआ था। तो इसीलिए ये पाइथन जो है ये बहुत ही पुराना लैंग्वेज है और बहुत ही यूजेबल है। अगर आपको पाइथन आता है तो आप बहुत अच्छा से अच्छा डेस्कटॉप एप्लीकेशन, गेम, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे कि बिग डाटा से रिलेट कर सकते हैं। आजकल आपको पता होगा सबसे बहुत बहुत ज़्यादा पैसा भी, बहुत ज़्यादा काम भी मिलता है आपको बिग डाटा से। बिग डाटा हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, आप ये सारा कर सकते हैं पाइथन से। तो पाइथन बहुत ही यूजेबल है, इसको पढ़िए। अब मैं प्रोमिस करता हूँ आप सभी को, अगर आप सभी ने मेरा वीडियो पूरा देखा, अगर आपको समझ नहीं आई तो मुझे पर्सनली फ़ोन कर सकते हैं, पर्सनली मेरे नंबर पर बात कर सकते हैं मुझसे। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए तो ये मेरी गारंटी है आपको समझ आएगी, क्योंकि मुझे अपने आप कॉन्फिडेंस है, आपके ऊपर बहुत विश्वास है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं, जिस सीधे शुरू करते हैं पाइथन। तो आप बहुत आसानी से जाइए यहाँ पे, देखिए ये वाला वेबसाइट पे, इस पे आइए python.org। इस पे आप जब एंटर करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो ये देखिए पाइथन के बारे में ये वेबसाइट पे क्या होगा, आपको पाइथन के बारे में सारा कुछ मिल जाएगा। अगर आपको कुछ पढ़ना है देखिए अबाउट पे आइए, एप्लीकेशन यहाँ है जो है ना आप सब पढ़ सकते हैं, या तो आप यहाँ पे आइए डॉक्यूमेंटेशन पे, यहाँ पे आके आप पढ़ सकते हैं पाइथन के बारे में, या आप नीचे आइए देखिए यहाँ पे सब कुछ है जो रिलीज कब कब हुआ। तो अभी जो फ़िलहाल में रिलीज हुआ है ये देखिए यहाँ पे अभी जल्द रिलीज हुआ है, अगर डेट देखेंगे तो एक महीना पहले रिलीज हुआ, हम यही पढ़ने वाले हैं पाइथन 7.3.7। तो आपको जो अगर डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए एक बार, और देखिए यहाँ पर पाइथन के बारे में यहाँ सारा कुछ लिखा है, बिगिनर, पाइथन 2-3, अब सारा कुछ है यहाँ पर, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं पाइथन के बारे में, देखिए। लेकिन हम यहाँ से नहीं पढ़ने वाले हैं, मैं आपको वीडियो बना बना के दूंगा, और वीडियो हर दिन अपलोड होगा आप सभी के लिए, और आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ये मेरा गारंटी है। तो चलिए इसको डाउनलोड कर लेते हैं पाइथन को, यहाँ पर डाउनलोड पर आइए, देखिए अगर आपके पास विंडो है तो ये वाला डाउनलोड कर लीजिए, अगर आपके पास विंडो नहीं, आपके पास iOS है तो यहाँ पर क्लिक कर लीजिए, या अदर कोई है तो यहाँ पर कर लीजिए, या लिनक्स है तो यहाँ पर कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ, क्लिक करिए आप, यहाँ पे क्लिक करिए आपको डाउनलोड हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ पे डाउनलोड पहले कर चुका हूँ, क्योंकि अगर डाउनलोड करने के टाइम पे अगर वेट करते हैं ना तो थोड़ा टाइम, वीडियो भी लेंथी आता है, थोड़ा टाइम भी आपका लॉस होता, इसीलिए मैंने यहाँ पर पहले डाउनलोड कर चुका हूँ। इसके बाद में चलिए देखते हैं दूसरा चाहिए, ये तो पाइथन तो हो गया हमारा, जहाँ जो कोड रनिंग करेगा वो तो हो गया पाइथन, लेकिन हमें कोड लिखने के लिए एक कोई चाहिए होता कि कोई ना कोई कुछ ना कुछ चाहिए जिसपे हम कोड लिख सकें। तो इसके लिए आपको रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप चाहें तो यहाँ से जो पाइथन जब इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पे भी आपको मिलेगा एक, वहाँ पे भी आप कोड रनिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे क्लिक करके वीडियो पे जाता हूँ, यहाँ पे अगर आपको मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, डबल क्लिक करिए इस पर, ये देखिए मेरा ऐसा कुछ बता रहा है, क्योंकि मेरे पास पहले से ही है पाइथन, इसलिए मुझे इस तरीके से दिखा रहा है। तो क्या करता हूँ कि मेरे पास पहले से, तो मैं आपको नहीं बताता हूँ, शायद आपको आ जाता है कैसे इंस्टॉल करना होता है, जस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए आपका इंस्टॉल हो जाएगा शायद, मुझे लग उम्मीद है कि आपको आता होगा, अगर आपको नहीं आता चलिए कर लेते हैं, कोई बात नहीं,
बिल्कुल, मैं जो अपने पास है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, उसके बाद में फिर से मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो ये है पाइथन, यहाँ पे यहाँ से पाइथन मुझे लगता है आपका लैंग्वेज, इस पर टाइम वेस्ट ना करें हम, मुझे लगता है, इसलिए मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको पास टाइम ज़्यादा लॉस हो, आप कर लेंगे इसके, आप इंस्टॉल कर लीजिए इसे। उसके बाद में दूसरा मुझे चाहिए जहाँ पे हमें कोड रन करना है, नहीं, कोड को जहाँ पे लिखना है मुझे वो चाहिए। तो कोड लिखने के लिए मुझे चाहिए विजुअल स्टूडियो। देखिए आप और कोई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा विजुअल स्टूडियो का यूज करिए। इस पे आप बहुत आसानी और बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आप लिख सकते हैं कोड को। अब देखिए मैं इसको भी डाउनलोड कर चुका हूँ यहाँ पे पहले ही, अब इसको भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन ये भी मेरे पास पहले से ही पड़ा है, पहले से मैंने इंस्टॉल कर चुका हूँ, इसलिए ऐसे भी नहीं करता। आप इसको भी डबल क्लिक करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपको इंस्टॉल करना आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इसको भी आप नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाइए यहाँ पे, ये भी इंस्टॉल हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि आपको मुझे पता है कि आप कर लेंगे, इसलिए मैं इसे भी ये करता हूँ, कैंसिल करता हूँ। चलिए मैं इसको भी क्लोज करता हूँ। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, इंस्टॉल कर लेने के बाद में अब आगे से हम कोडिंग, हम कहाँ पे लिखें, कोडिंग कैसे लिखें, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। शायद मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ होगा, क्योंकि ये को इंस्टॉल करना मैंने आपको नहीं बताया, फिर भी ये बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, इसलिए आप मैं इस वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना करें। नेक्स्ट वीडियो पे जहाँ आपको प्रॉब्लम होगी कोडिंग पे, मैं वहाँ पे आपको फोकस करके बताऊँगा, फोकस करके कि कैसे आपको सीखना है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम शुरू करेंगे पहले पाइथन बेसिक से, उसके बाद पढ़ेंगे GUI, एक एप्लीकेशन भी बनाएंगे आपके लिए, एक वेब एप्लीकेशन भी बनाएंगे जो डाटाबेस से रिलेटेड होगा। तो सारा कुछ हम काम करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और अगर मेरे पास टाइम हुआ तो मैं आपको बिग डाटा जो है वो भी सिखाऊंगा, और बिग डाटा एनालिसिस जो है ना वो भी सिखाऊंगा। नेक्स्ट नेक्स्ट मिलते हैं, चलिए आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं कोडिंग के साथ, आपका नेक्स्ट पहला हेलो प्रिंट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, गुड बाय।